अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अभी हम नागपुर के भोसले ख़ानदान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। नागपुर भारत के वस्त का इलाका था जो बंगाल के कलकत्ता तक फैला हुआ था। नागपुरकर भोसले ख़ानदान के परसूजी भोसले को शाहू महाराज के ज़माने में बरार, जिसे वरहाड़ भी कहा जाता है, और गोंडवन के इलाके बतौर जागीर अता किए गए। भोसले खानदान का रघुजी अव्वल भोसले एक मराठा जनरल था जिसने छत्रपति शाहू के दौर में मशरकी वस्ता हिंदुस्तान में नागपुर सल्तनत का कंट्रोल संभाल लिया। उसके जानशीनों ने 1853 तक सल्तनत पर हुकूमत की। रघुजी भोसले नहायत अहल, बासलाहियत और बहादुर शख्स थे। उन्होंने जुनूबी भारत में तिरुचिरापल्ली और अर्काट के आसपास के इलाकों को मराठा अमलदारी के तहत लाने में अहम किरदार निभाया। शाहू महाराज ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा सूबों की चौथाई वसूल करने के अख्तियार रघुजी भोसले को ही दिए थे। उन्होंने इन इलाकों को मराठा के ज़ेर इक्तदार कर लिया। 1751 ईस्वी में नागपुर कर भोसलों ने उड़ीसा का सूबा अलीवर्दी खां से जीत लिया, जहां 1803 तक उनका तसल्लुत कायम रहा।